नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 8 पढ़ रहे थे। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के पाठ 8 का नाम था लिंग। इस पाठ के हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें था शब्दों का लिंग परिवर्तन। अब शब्दों से हम किस तरह से लिंग परिवर्तन करते हैं। हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे इया, इन, आनी, नी, आइन, इनी, इका, ती आदि। तो ये शब्द, ये प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को बना सकते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, बकरा, बकरी, देव, देवी, मुर्गा, मुर्गी, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, भतीजी, भतीजा, भतीजी, लड़का, लड़की, गोप, गोपी, मामा, मामी, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया, ग्वाला, ग्वालिन, लोहार, लोहारिन, सुनार, सुनारिन, कहार, कहारिन, धोवी, धोविन, माली, मालिन, तेली, तेलिन, जुलाहा, जुलाहिन, नाई, नाइन, तेवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। इनमें बच्चों आनी प्रत्यय लग गया है। रुद्र, रुद्राणी, चौधरी, चौधरानी, इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नौकरानी। अब इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नी प्रत्यय। जैसे मजदूर का मजदूरनी, ऊँट का ऊँटनी, सिंह का सिंगनी, बटेर का बटेरनी, हंस का हंसनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी, शेर का शेरनी। अब इनमें ये शब्द ये इनमें आइन प्रत्यय जुड़ गया। जैसे चौबे का चौबाइन, पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन, बनिया का बनियाइन, बाबू का बबुआइन और ठाकुर का ठकुराइन। अब ये शब्द हैं, इसमें कैसा प्रत्यय जुड़ गया, नी प्रत्यय। इनी प्रत्यय इनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एकाकी, एकाकिनी, तपस्वी, तपस्विनी, इनी प्रत्यय में जुड़ा है। स्वामी, स्वामिनी, सन्यासी, सन्यासिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, हाथी, हथिनी। अब आता है बच्चों ई का प्रत्यय। पाठक का पाठिका, नायक का नायिका, चालक का चालिका, ग्राहक का ग्राहिका, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, गायक का गायिका और पालक का पालिका। अध्यापक का अध्यापिका, बालक का बालिका, दर्शक का दर्शिका और नायक का नायिका। अब आता है बच्चों इनमें ती प्रत्यय। ती प्रत्यय के साथ ये कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनमें भगवान का भगवती, बलवान का बलवती, गुणवान का गुणवती, श्रीमान का श्रीमती, धनवान का धनवती, प्रज्ञावान का प्रज्ञावती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, विद्वान का विद्वती, रूपवान का रूपवती। अब इनमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे नर का नारी, पिता का माता। ये बच्चों आपस में अपोजिट भी हो जाते हैं, एक दूसरे के विलोम भी कहलाए जा सकते हैं। ये भाई का बहन, ससुर का सास, कवि का कवयित्री, पुत्र का पुत्री, पति का पत्नी, राजा का रानी, वर का वधु, पुरुष का स्त्री, सम्राट का साम्राज्ञी और बैल का गाय। इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है बच्चों। जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है उनके लिंग का बोध कराने के लिए उनके आगे नर अथवा मादा शब्द लगा दिए जाते हैं। अर्थात हमें नहीं पता, को जैसे कुछ पक्षियों के नाम होते हैं, हमें उन पक्षियों के नामों के बारे में लिंग का वर्णन नहीं पता, तो हम उसके आगे नर मादा, नर या मादा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे गिलहरी का शब्द अगर हम लेते हैं तो नर गिलहरी और मादा गिलहरी, हम इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें दोहराने के लिए हैं बच्चों, इनको जरा पढ़ लेते हैं। लिंग से किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग।
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पाठ 8 एक्सप्लेन पूरा हो गया, ये मैंने पूरा कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। ये जितने भी इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं आप इनको एक बार दो बार तीन बार घर में बैठ के 2-3 बार इसको दोहराइए, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस पाठ की बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है मैं उनके माता पिता से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में समय से ही जमा करा दीजिए, क्योंकि इस समय में हमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।